मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जाती है। गुरुवार को खनिया थाना में मुखबरी की सूचना के बाद तहसीलदार दिनेश चौरसिया, नायब तहसीलदार अरुण गुर्जर, राजस्व अमला द्वारा शासकीय भूमि पर हो रहे अवैध खनन के खिलाफ कार्यवाही की गई। इस दौरान जेसीपी को जब्त कर थाने में रखा गया। ये एक ग्राम पलिहारा की शासकीय सर्वे नंबर था 639, उस पर ये जेसीबी अवैध रूप से उत्खनन कर रही थी। सूचना प्राप्त होने के बाद हम राजस्व अमले के साथ वहाँ पहुँचे, उसके बाद पुलिस को भी बुलाया गया और उसको जब्त करके थाने में रख दिया गया है। उस पर कार्रवाई की जा रही है और प्रतिवेदन शाखा की ओर भेज दिया। इधर ये जिसकी जेसीबी थी उसके द्वारा कहा जा रहा है कि जेसीबी चल नहीं रही थी, खड़ी थी खाते में। चल ही रही थी और बहुत सारा उत्खनन भी किया हुआ है वहाँ पर, तो उसका पूरा फोटोग्राफ वगैरह भी निकलवाए हैं और उसकी जो मेजरमेंट करवाया गया है तो वो सब खनिज शाखा को भेज दिया गया है।